हेलो गाइस, मेक यू जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब में पीपीएमटी फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवां। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे, रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल PXEL, ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। ये लिखा है ब्लैंक वर्गो, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ओपन हो गया है। अब हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है। देख सकते हैं वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए डेटा पहले से ही फिट कर रखा है। देख सकते हैं ये कार प्राइस 8 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, लोन अमाउंट 7 लाख, इंटरेस्ट रेट 9% यानी 9%, लोन पीरियड 6 साल का। हमें क्या निकालना है, मंथली ईएमआई। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू हमने कल आपको आईपीएमटी के बारे में बताया था, आज हम आपको पीपीएमटी के बारे में बताएंगे। पीपीएमटी का मतलब है प्रिंसिपल पेमेंट, मंथली प्रिंसिपल पेमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पीएमटी का जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो पीएमटी, आईपीएमटी और आज का पीपीएमटी सभी हम आज हम डिटेल में बताएंगे। तो दे सकते हैं इजुकल टू पीएमटी दे सकते हैं, हमारा फॉर्मूला शो हो गया है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये हो रहा है रेट। तो रेट हमारा क्या है, ये रहा इंटरेस्ट रेट। तो हमें 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड यानी स्लैश 12 मंथ कोमा लगाएंगे। अभी हो रहा है NPR, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ पेमेंट। तो दे सकते हैं B6, ये भी हमारा 1 साल में 12 महीने, 12 मंथ इंटू स्टार का चिन्ह यानी गुणा का मल्टीप्लाई 12 कोमा लगाएंगे। PB प्रेजेंट वैल्यू, तो देख सकते हैं हमारा प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट B4, तो हम यहाँ पर मास का चिन्ह लगाएंगे। हम कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 0 ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड एंटर प्रेस कराएंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जनरल में। दे सकते हैं इसको हम डेसिमल भी हटाएंगे यहां से, हमारा आंसर है 12,618। क्या निकला हमारा, पीएमटी यानी कि मूलधन प्लस ब्याज इसी में है। अब हम क्या निकालेंगे, आईपीएमटी इक्वल टू आईपीएमटी, देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा शो हो गया है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट फिर से इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा पर मतलब मंथ
मन तुम्हारा कौन सा रहेगा, ये वाला वन मंथ, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डी टू, डी कॉलम, टू हमारा हो गया। इसी तरह हम कॉमा लगाएंगे, एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, तो बी सिक्स, बी कॉलम, सिक्स हमारा रो हो गया। कॉमा लगाएंगे, पीबी प्रेजेंट वैल्यू, तो देख सकते हैं लोन अमाउंट, बी फोर, यहाँ पर हम मास का चल लगाएंगे बी फोर से पहले, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, अब ये पॉजिटिव में आएगी। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो दे सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम पीपीएमटी का निकालेंगे, यानी प्रिंसिपल पेमेंट मंथली, प्रिंसिपल पेमेंट, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीपीएमटी, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट फिर से इंटरेस्ट रेट बी फाइव, तो बी कॉलम फाइव हमारा रो हो गया, स्लैश 12 मंथ, कॉमा लगाएंगे, पर यानी मंथ, मंथ पहला मंथ, फर्स्ट मंथ लिया हमने, डी टू यानी डी कॉलम, टू हमारा रो हो गया, कॉमा लगाएंगे, एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, बी सिक्स, बी कॉलम, सिक्स हमारा रो हो गया, कॉमा लगाएंगे, पीबी प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट, अब बी बी फोर से पहले ये जो कॉमास के बाद यहाँ पर हम मास का चिल्ला लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, इसलिए पॉजिटिव में आई है। अब शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीवर्ड एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। इसको हम करेंसी है डॉलर में, तो इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल आ रहे हैं, तो इसको अभी हम यहाँ से हटाएंगे, दे सकते हैं 1,14,498। हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट किसका, सभी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू इक्वल टू, पहले हम निकालेंगे आईपीएमटी का, आईपी देख सकते हैं ये फॉर्मूला शो हो गया है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, रेट रेट हमारा इंटरेस्ट रेट बी फाइव, इसको हम लॉक करेंगे, क्योंकि हमें 24 मंथ का हम निकालेंगे सभी महीनों का, तो हम इसको लॉक करेंगे एफ फोर, कीबोर्ड में एफ फोर प्रेस किया हमने, स्लैश मंथ यानी 12 मंथ, कॉमा लगाएंगे, पर मतलब मंथ, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें मंथ नेक्स्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड दे सकते हैं बी सिक्स, इसको हम लॉक करेंगे, कीबोर्ड में एफ फोर प्रेस करेंगे, इनटू 12 मंथ, कॉमा लगाएंगे, पीबी प्रेजेंट वैल्यू दे सकते हैं लोन अमाउंट, इसको भी हम लॉक करेंगे,
फॉर कीवर्ड से हमने मास का चिन्ह नहीं लगाया है, तो हम यहां पर मास का चिन्ह लगाएंगे। हम कीवर्ड में शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे, दे सकते हैं, हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, दे सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है। ये हमारा डॉलर का सन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे, दे सकते हैं। इसी तरह हमें प्रिंसिपल यानी पीपीएमटी इसका भी हम निकालेंगे, सभी मंथ का इजुकल टू पीपीएमटी, देख सकते हैं रेट इंटरेस्ट रेट स्लैश 12 मंथ कॉमा पर यानी मंथ डी टू। इससे पहले हमने इसको लॉक नहीं किया है, तो हम इसको लॉक करेंगे रेट को। एफ फोर कीबोर्ड में हमने एफ फोर की प्रेस किया, अब हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमें सभी वैल्यू का लेना निकालना था, इसलिए हमें लॉक किया इसे। नंबर ऑफ पीरियड इसको भी हम लॉक करेंगे, एफ फोर इंटू 12 मंथ कॉमा पी बी प्रेजेंट वैल्यू बी फोर, इसको भी हम लॉक करेंगे एफ फोर। अब यहां पर हमने कॉमा से पहले मास का चिन्ह नहीं लगाया है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, अभी हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, इसी तरह हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो दे सकते हैं सभी का मंथ निकल के आ गया है। अब इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये जोड़ा से ना आ रहा है, तो इसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है, मिलान कर सकते हैं इसमें। अगर हमें इसी का गोल सीक निकालना हो, कैसे निकालेंगे गोल सीक, हमें किसका निकालना है, पीएमटी का निकालना है या फिर आईएमपीटी का निकालना है, आईपीएमटी का या फिर हमें पीपीएमटी का निकालना है, तो हम किसी का भी गोल सीक निकाल सकते हैं। तो हम पहले हम पीपीएमटी का निकालेंगे गोल सीक, फॉर्मूला लगाएंगे, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया पीपीएमटी को, डेटा में जाएंगे टेब में, अभी लिखा है व्हाइल व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, इस ऑप्शन में हमने क्लिक किया, तो देख सकते हैं सेट सेल पहले से सिलेक्ट है, उसको हमने ऑटोमेटिक सेल को सिलेक्ट कर लिया है B10 टॉप वैल्यू, जो हमें वैल्यू देना है तो हम वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, जैसे हमने 12,618 लिखा है, तो यहां पर हम 10,000 टाइप करेंगे। बाय सेल चेंजिंग, बाय चेंजिंग सेल ये लिखा है डाउन पेमेंट, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारा प्राइस ड्रॉप डाउन डाउन पेमेंट का इतना, और देख सकते हैं ये भी हमारा चेंज हो गया है 10,000, इसको हमें शो नहीं करना है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, देख सकते हैं उसी फॉर्मेट में शो हो गया हमारा। अगला एग्जाम्पल हमारा शीट टू प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट पीरियड ईयरली 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट
हमें 15% से 2 साल का हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये मंथ पीपीएमटी आईपीएमटी, पीएमटी आईपीएमटी पीपीएमटी बैलेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम पीएमटी निकालेंगे इजुकल टू पीएमटी, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, रेट रेट हमारा इंटरेस्ट रेट बी टू दे सकते हैं, बी कॉलम टू हमारा रो स्लैश 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड दे सकते हैं, बी कॉलम थ्री हमारा रो इनटू 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, पी बी प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल, बी वन बी कॉलम वन हमारा रो। अब यहीं पर हम मास का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें आईपीएमटी लिखाना है यानी इंटरेस्ट इजुकल टू आईपीएमटी, दे सकते हैं इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट फिर से हम इंटरेस्ट रेट स्लैश 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, पर मंथ पहला मंथ फर्स्ट मंथ कॉमा लगाएंगे, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ पीरियड, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बी थ्री इंटू 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, पी बी प्रेजेंट वैल्यू, बी वन बी वन से पहले हम यहाँ पर मास का चिन्ह लगाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू लाना है हमें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर, इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे, अभी करेंसी है इसको हमने जनरल में कन्वर्ट कर लिया है। हम पीपीएमटी निकालेंगे यानी मूलधन, हम क्या करेंगे इजुकल टू पीपीएमटी, फॉर्मूला हमारा शो हो गया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट फिर से हम इंटरेस्ट रेट स्लैश 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, पर मंथ डी टू कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड ये वाला सेल पीरियड बी थ्री इंटू 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, पी बी प्रेजेंट वैल्यू, यहां पर हमने मास का सेल लगाएंगे, यहां पर अभी नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं सभी का हमारा निकल के आ गया है पीएमटी आईपीएमटी पीपीएमटी, तो दे सकते हैं। अब हमें शेष बैलेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसे भी हम निकालेंगे, यहां पर हम टाइप करेंगे इजुकल टू बी वन, बी वन हमारा क्या है दे सकते हैं, इजुकल टू बी वन यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल दे सकते हैं माइनस क्या पीपीएमटी जो हमने अभी निकाला है,
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पेमेंट मंथली, प्रिंसिपल कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा शेष बैलेंस, ये निकल के आ गया है हमारा। अब ये क्या निकालना है, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो दे सकते हैं ये हमारा नम्बर आ रहा है, मतलब फॉर्मूला हमने केवल पहले मंथ का निकाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लॉक करेंगे बी टू कीबोर्ड में, हम इसको F4 प्रेस करेंगे, लॉक कर दिया हमने। डी टू दे सकते हैं, बी थ्री इसे भी हम लॉक करेंगे कीबोर्ड में, F4 प्रेस करेंगे। बी वन इसे भी हम F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, लॉक लॉक करेंगे इसे। अब हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं, हम इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो दे सकते हैं। सभी का मंथ निकल के आ गया है, दे सकते हैं सभी की वैल्यू सेम निकली है। हम IPMT निकालेंगे इसी तरह, बी टू इसे भी हम लॉक करेंगे, F4, D2 मारा गया है मंथ वाला, इसे हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट करना है। B3 इसे हम लॉक करेंगे, F4, B1 इसे भी हम लॉक करेंगे, नंबर पीरियड इन तीनों सेलों में से इनको हम लॉक कर रहे हैं, देख सकते हैं। अब हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं, ये रोलर सन आ गया है, इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, दे सकते हैं हमारा आंसर। इसी तरह हम PPMT निकालेंगे, इसको भी हम लॉक करेंगे, F4 लॉक किया इसे, D2 को लॉक नहीं करेंगे, इसको हम अनफ्रीज रखेंगे। B3 को लॉक करेंगे, F4, B1 इसे भी लॉक करेंगे, F4। हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे, दे सकते हैं हमारा आंसर। सभी का मंथ का निकल के आ गया है। इसी तरह हम शेष बैलेंस का निकालेंगे, यहां पर इजुकल टू H2 दे सकते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, शेष बैलेंस H2 माइनस कौन सा सेल, ये वाला सेल PPMT G3 दे सकते हैं, माइनस G3 कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा जो बैलेंस था, शेष बैलेंस हमने दूसरे मंथ का निकाला तो दे सकते हैं बैलेंस हमारा घट गया है। हम इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो दे सकते हैं हमारा 24 मंथ का सभी का निकल के आ गया है 9,697 सभी में, दे सकते हैं इसमें
उन्नीस किसमें? आईएमपीटी, इसमें घटता बढ़ता है, इसमें भी, इसमें घटा है, पीपीएमटी में, ये जो पीपीएमटी में सेम रखा है, पीएमटी में सॉरी, आईपीएमटी में इसमें घटा है, और इसमें पीपीएमटी में इसमें बढ़ा है, घटा है, दे सकते हैं, ये हमारा बढ़ा है, ऊपर से घटता है फिर बढ़ा है नीचे, और इस वाले में शेष बैलेंस में हमारा लास्ट में हमारा जीरो हो गया है, दे सकते हैं 9578, 9578 सेम बराबर निकला है, लास्ट में हमारा जीरो हो गया है। जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सेम उसी का अगर हमें चेक करना है, चेक तो हमने पहले से ही कर लिया है, इसको हमारा सभी का बराबर निकल के आ गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।